Now, rain continues to wreak havoc in multiple parts of the country. From Delhi to Dehradun to Panchkula, rainfall has left several areas waterlogged, buildings damaged and many trees uprooted. In a shocking incident, a resident named Sakshi Ahuja died at the New Delhi railway station due to electrocution. Due to waterlogging, electrical wires were submerged in water. The police and the forensic team have reached the spot and they are carrying out a probe. The IMD, in fact, has predicted more rainfall in the national capital and the adjoining areas of NCR. They have also issued a yellow alert for the next 2 days, that is 25th to 27 January in Delhi. Light to moderate rainfall is expected. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ जहां बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। इस वक्त मैं दिखाऊं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्किंग इलाका है और ये जो खंभा देख पा रहे हैं यहीं पर साक्षी अहूजा नाम की एक जो महिला है वो अपने पति के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी। उसी दौरान जब महिला यहां पर खड़ी थी सुबह के तकरीबन 5:30 बजे, तभी बारिश की वजह से जो करंट है वो फैल गया और उससे जो साक्षी अहूजा है वो काफी घायल हो गई, अस्पताल ले जाया गया, उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जो ये पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पूरी तरह से यहाँ पर घेर दिया है। कुछ देर बाद फॉरेंसिक की टीम, अगर आप देखें वहाँ पर गाड़ी, तो जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो पूरी घटना है वो किस तरीके से हुई। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है, जो बिजली का तार है वो खुला हुआ था और जो हस्बैंड वाइफ थे वो इसी जगह पर आकर खड़े थे, तभी साक्षी अहूजा के शरीर में करंट फैला और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। साउथ ईस्ट मानसून देश में और कुछ हिस्सा में आगे बढ़े हैं, जैसे कि गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सा, एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मॉनसून आज प्रवेश कर चुके हैं। मॉनसून का स्थिति अगले 5 दिन के लिए अच्छा रहेगा और मॉनसून आगे बढ़ने के साथ साथ अच्छा बारिश देने का हमारा पूर्वानुमान है।